कैसे आप सभी लोग। तो अगर मैं कोई नहीं उड़ो ना, फिर खेलने वाले हैं नीड फॉर स्पीड नो लिमिट। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आज भी अपन एक कार को ओपन करने वाले हैं। वो कौन सी कार होगी वो तो गेम को स्टार्ट होकर आपको पता चलेगा। भाई वो बहुत ज्यादा फेमस कार है, बहुत ज्यादा पावरफुल कार है, तो चला के भी देखेंगे उसको कितनी ज्यादा पावरफुल है वो, उसको अपग्रेड वगैरह भी करेंगे। ये कुछ अपने को मिल चुका है ट्रांसमिशन सेगमेंट, फ्री का आइटम है। तो सबसे पहले आपका भाई फ्री का आइटम कलेक्ट कर लेता, हर बार मुझे मिलता है। तो यहाँ से भी कुछ मिल रहा है, इसको मैंने कलेक्ट कर लिया। अब मैं सीधा चलने वाला हूँ वो वाली कार के लिए और आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी वाली कार होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको वो देख के। चलो ठीक है, ये देखो भाई ओपन करते हैं। ये है कौन सी, ये पता है आपको? नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा। सो भाई दिस इज़ कौन सी है पता है? दिस इज़ सुप्रा भाई। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कार है, टोयोटा सुप्रा अपने को खुल चुकी है। यार मैं वेट कर रहा था कि ये कार अपने को कब खुलेगी, बट फाइनली आपके भाई के पास आ चुकी है। एक तो एक सुपर कार, नहीं मेरे पास सुपर कार पहले से भी थी, मस्टैंग वगैरह थी मेरे पास, बट भाई सुपरा के यार बात ही कुछ अलग है। क्या साउंड वगैरह निकलेगा इसको, तो चला के मैं आपको दिखाऊंगा कैसा क्या साउंड वगैरह इसका आता है, कितनी ज़्यादा फास्ट है ये। खैर मुझे इसको अपग्रेड करना पड़ेगा अभी, अपनी मस्टैंग हॉर्निकॉन से थोड़ी सी कमज़ोर है, बट धीरे धीरे करके मैं इसको ज़्यादा अपग्रेड करूँगा तो इससे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। तो अभी चलते हैं यहाँ पे एक इवेंट के लिए, इवेंट नहीं पीवीपी में मैं चल रहा हूँ। अगर सामने वाले की कार मेरे उतनी पावरफुल होगी ना तो शायद से मैं जीत जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं हार भी सकता हूँ। आई डोंट नो यार उसकी पावरफुल होगी या फिर नहीं होगी, वो तो भाई रेस करके ही पता चलेगा। बट देखते हैं कितना ज़्यादा मैं इससे पीछे रह पाऊँगा या फिर मैं इसको पीछे कर पाऊँगा। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, ये अपनी फर्स्ट वाली रेस होने वाली है टोयोटा सुप्रा से। ठीक है परफेक्ट लॉन्च मैंने दे दिया है, बूस्ट भी मैंने छोड़ दिया। भाई वो कार अपने से आगे जा रही है, आई थिंक यार वो वाली अपने से थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है, पर क्या ही कर सकते यार। अभी अभी तो मैंने ओपन करी है तो मैंने उसको उतना ज़्यादा अपग्रेड किया नहीं। अगर मैं अपग्रेड कर लेता यार मिसाइल भी लग जाएगी। शिट भाई मिसाइल भी लग गई थी आपके भाई को, बट अच्छी बात है मैं बच गया। कार तो बिल्कुल उल्टी हो गई थी बट फिर से मुझे चांस मिला है और मैं इसको पीछे करने का पूरा ट्राई करने वाला हूँ। देखो मैं ऑलमोस्ट इसके पास तक पहुँच गया हूँ, बट यार रेस भी ख़त्म होने वाली होगी। 70% तक तो हो ही गई है, देखो 30% और बची है, बस इस पुल के बाद एंडिंग पॉइंट आ जाएगा। हाँ यार अपन हार गए इससे, थोड़ा सा वैसे ज़्यादा मामला नहीं रह गया, अब बोल सकते हो थोड़ा सा मैं इससे पीछे रह गया, अदरवाइज मैं इसको हरा देता। बट उसकी देखो ना मुझसे कितनी ज़्यादा पावरफुल है, वो 534 पे था और मैं 461 पे था, तो यार मेरी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी उसके सामने। कार तो सेम ही है तो समझ रहे हो ना वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, उसकी स्पीड भी मुझसे ज़्यादा होगी। तो छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे, अभी मैं सीधा चल रहा हूँ यार। मेरे को यहाँ पे ये क्या है भाई, चैप्टर 9 को कम्प्लीट करना है, एवी को मुझे हराना है। फोर्ड मस्टैंग लास्ट टाइम मैंने अपग्रेड कर ली थी तो इसी से मैं खेलने वाला हूँ और इसको पूरा कंप्लीट कर लेने वाला हूँ, क्योंकि यार जैसे ही मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा ना तो एंड में अपने को एक और कार खोलने का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो इसलिए भाई मैं जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ इसको। मस्टैंग यार हम देखते कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, पहले मुझे लगता है 217 तक जाते थे ना, अब चेक करते कितनी ज़्यादा जाएगी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया, इसके आगे भी कुछ लग चुका है, अभी इस कार को मैं पीछे छोड़ दूँगा। ये सब तक कार कुछ नहीं है यार अपनी फोर्ड मस्टैंग हॉर्निकॉन के सामने। हॉर्निकॉन भाई लुक्स वाइज भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसके सामने भी कुछ लग गया है, शायद वो धुआं हुआ छोड़ने का कुछ सिस्टम होगा लगा। मैं जीत जाऊँगा वैसे भाई, 300 जा रही है अभी, 350 प्लस चली जाती है बूस्ट छोड़ने के बाद, और नॉर्मली उतनी जा रही है वैसे, ज़्यादा नहीं है। हाँ 280 तक जा सकती है अगर शायद स्ट्रेट रोड रहेगी ना तो 280 तक जा पाएगी, बट कोई बात नहीं, वाली रेस तो आपके मैंने कंप्लीट कर ली। अभी बारी यहाँ पे नेक्स्ट वाली रेस की, और वो भी चेक कर लेते हैं कि किससे होने वाली है। बोल्ट्स अपने को मिल चुके हैं भाई, ये अपग्रेड करने के काम आएंगे अपनी कारों को, पता नहीं यार कहाँ पे लगेंगे, जहाँ पे भी लगेंगे मैं लगा देने वाला हूँ। डिलीवरी अपने को मिल रही है किसी कार की, तो देखते हैं कौन सी कार की डिलीवरी है। एक कार कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, SRT वाइपर GTS ये नाम है इसका। कौन सी कार है इसका नाम आपने पहले कभी सुना हो अपनी ज़िंदगी में तो मुझे आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। अब यार होगी कोई सुपर कार, यार मैं उतना जानता नहीं हूँ इन सब के बारे में। लैम्बोर्गिनी और बुकाटी वगैरह इनके बारे में पता है, बट भाई यार ये कौन सी कार है ये तो बिल्कुल भी नहीं पता है, देखी भी नहीं है ना यार किसी के पास, अपने इंडिया में होगी है किसी के पास, पता नहीं भाई होगी भी बंदों के पास या नहीं भी होगी मुझे नहीं पता उतना, बट जो भी है भाई यही कार है। स्पीड तो भाई अच्छी खासी होगी इसकी, ओवर रेप मैंने कर दिया है भाई। लुक्स वाइज ना नो डाउट यार बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है ये, लुक्स वाइज तो यार किसी को भी फेल कर सकती है। और स्पीड देखते हैं एक बार इसकी, देखो 250 तक चली गई है। यार मुझे स्क्रैच नहीं खिलाना इस कार को, अगर इस कार में स्क्रैच आ गया ना यार, देखो लुक्स इतने ज़्यादा तगड़े ना, तो वैसे मैं चाहता भी नहीं स्क्रैच खिलाना, बट अगर स्क्रैच आ गया ना तो मेरी रेस कंप्लीट नहीं होगी, मतलब मैं नहीं माना जाऊँगा इसको कंप्लीट करा होगा, तो मुझे बचाना है स्क्रैच ना लगे इसमें। थोड़ी बहुत तो मुझे लग रहा है लगी गई होगी, बट फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए कि ये कार को कोई ख़रीदने से मना कर दे, तो समझ रहे हो ना, मुझे बचा के भी रखना है। बूस्ट पे बूस्ट भी छोड़ो क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा कम बचा है अभी, तो मुझे स्पीड में भी चलाना है, ऐसी बात नहीं कि मैं स्लो स्लो चला रहा हूँ तो उसके बाद यार स्क्रैच लग गया उसको थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है
अच्छी बात है यार, इन्होंने मुझे विन करार दे दिया है, वरना तो यार देखो थोड़ी सी स्क्रेच तो लग गई थी, क्योंकि मुझे स्पीड में भी चलाना था। अगर मैं स्लो चलाता तो रेस कंप्लीट नहीं होती अपनी, और अगर मैं जल्दी चलाता तो स्क्रेच लग जाता। SRT वाइपर का अपने को एक कार्ड मिला है शायद, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, मुझे बहुत सारे कार्ड चाहिए होते हैं। फोर्ड मस्टैंग से चल रही है अपनी नेक्स्ट वाली रेस, और इसके बाद फाइनल ईवी को हरा के अपन ये वाला पूरा चैप्टर 9 कंप्लीट कर लेंगे। तो उसका भी मुझे वेट है यार, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है इसको। बट अभी इसकी बारी है, देखते हैं। इसमें 4 कारें हैं अपने अलावा, नहीं 3 कारें हैं अपने अलावा, और वो भी पावरफुल है। ऐसी बात नहीं कि कमज़ोर सी कारें हैं, यूँ ही हरा दूंगा मैं छुटकियों में, वो पावरफुल कारें हैं। और अपनी मस्टैंग से ज़्यादा पावरफुल थोड़ी होगी। देखो, एक को मैंने पीछे छोड़ दिया, दो को मैंने पीछे छोड़ दिया फाइनल, और इसको मैंने ठोक के पीछे छोड़ा। इस बार ना मुझे नाइट्रो कलेक्ट करना है 5, तो मैं ट्राई करूँगा कि हो ही जाए, बच जाऊँ। ओ बच गया भाई, गलत इसमें टकरा गया मैं। कोई बात नहीं, 3 मैंने नाइट्रो कलेक्ट कर लिए और ये 5 कम्प्लीट। अब अगर मैं भाई ये लगना जाए यार, लग गया भाई, स्पीड भी कम हो गई। कोई भी कार मुझसे किसी भी वक्त आगे जा सकती है, मुझे बचना और जल्दी से जीतना है। यार देखो, ऑलमोस्ट मैं हार ही गया था, क्योंकि मैं टकरा गया था ना, तो मेरी कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी। देखो इसके आगे भी कुछ लग चुका है यार। एक बार ना PVP में मस्टैंग हॉनीकॉर्न का ऑप्शन आ जाए भाई, इनकी तबाही नहीं बचा दी मैंने तो बोलना। आप इतनी ज़्यादा मैंने अपग्रेड कर रखी है ना भाई PVP के लिए अपनी हॉनीकॉर्न, बट PVP में हॉनीकॉर्न का ऑप्शन ही नहीं आ रहा अपनी मस्टैंग का। सुप्रा का आया है, तो सुप्रा अभी अभी खोली है, तो वो उतनी ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है, वरना भाई उससे भी मैं तबाही मचा सकता था PVP के अंदर। और अभी अपने सुप्रा कमज़ोर है, तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फाइट तो वैसे क्या फ़ाइट क्या भाई, रेस तो वैसे नॉर्मल के अंदर ही हो रही है, तो मुझे इस बंदे को हराना है। और यही है फाइनल EV, उसकी कार भी भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है देखने में। कौन सी भाई, शायद निशान GT आ रही है, हाँ मुझे वही लग रही है। बट ठीक है, रेस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी कौन सी वाली कार थी, बट देखने में तो वही लग रही है। चलो इसको हरा देता हूँ मैं जल्दी से, फर्स्ट फिनिश करना है मुझे। चल तो सही भी है, बट भाई हॉनीकॉर्न का आपको पता है ना पिकअप कितना ज़्यादा तेज है भाई। यार मस्टैंग कोई बात हो, मस्टैंग ही है भाई, मस्टैंग से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर स्पीड के मामले में देखो या फिर पिकअप के मामले में देखो, हाँ इससे आगे आने वाली कारें जो होंगी वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होंगी, मुझे पता है। अभी यार अपने पूरी मतलब जितनी भी मेरे पास कार है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हॉनीकॉर्न ही पावरफुल है, तो मैं इसी को बता रहा हूँ। चलती भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ओल्ड मस्टैंग है भाई। ओल्ड टाइम पे भी यार मस्टैंग वालों ने सही कार बना के रखी थी, इसको भी बेचते होंगे भाई, बंदे को मज़ा आ जाता होगा इसको खरीद के चला के। यार मुझे ना इस बार बच बच के भी चलना है, क्योंकि यार अपोजिट चल रही है कार, अपोजिट चलती है ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यार वो एकदम से सामने से आ जाती है, तो टकराने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। बट आपके भाई ने कम्प्लीट कर लिया रेस, चैप्टर कम्प्लीट 9, EV को मैंने हरा दिया भाई। रेस तो थोड़ी सी मुश्किल थी, हार्ड थी, और आपके भाई ने करके दिखा दिया है, जीत गया हूँ मैं इसको। अब देखते हैं क्या मिलेगा अपने को। इसकी कौन सी वाली कार थी, निशान स्काई लाइन GTR शायद वही थी, वह देख लेते हैं। या GTR BNR 22 ऐसा कुछ नाम था इसका, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, बट जो भी था निशान GTR ही थी, काफ़ी ज़्यादा सही थी जो भी था। आगे यही कुछ था आज की वीडियो में, मैंने चैप्टर 10 खेलूंगा मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। AD से अपनी यहाँ पे रेस होने वाली, तो AD को हराएंगे, पोस्चर 911 कैमरा ये कार है उसकी, तो उसको हराएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। कमेंट बताना आपको वीडियो कैसी लगी, टॉयोटा सुपरा आपको कैसी लगी देखने में। मैं मिलता हूँ उसे किसी और मैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।